नौ दंपति को दिया आशीर्वाद। जी हाँ, बदायूं। यूपी सिडको के चेयरमैन दर्जा राज्य मंत्री बीएल वर्मा के पुत्र प्रभात के विवाह समारोह में आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने नौ दंपति को आशीर्वाद दिया एवं बदायूं क्लब बदायूं पहुंचकर 36 मार्गों का शिलान्यास व लोकार्पण बटन दबाकर किया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां जिलाधिकारी कुमार प्रशांत एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात उन्हें यूपी में सिडको के चेयरमैन दर्जा राज्य मंत्री बीएल वर्मा के पुत्र प्रभात के विवाह समारोह में पहुंचकर नौ दंपति को आशीर्वाद दिया। 934 करोड़ रुपए की लागत से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। अकेले बदायूं जनपद के अंदर ऐसी 6 सड़कों का निर्माण भी किया गया है, जिस बदायूं जिला के है। हम जब सरकार में आए थे उस समय मैं सोचा कि 2001 की जनगणना हुई है, 2011 की जनगणना हुई है, और उस जनगणना के हिसाब से 250 तक की आबादी वाले गांव की सड़कें तो बन गई होंगी। लेकिन जब मैंने समीक्षा किया तो मेरे मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, सदन गुप्ता, तमाम हमारे जितने भी मीडिया के मित्र हैं, भाई सभासद राजू मौर्य और माननीय, देखिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। 36 सड़कों का लोकार्पण जो बहुत जीर्ण अवस्था में थी और उसके लिए निर्देश दे दिए गए, उसका तत्काल प्रबंध भी किया जाएगा और जनता को कोई समस्या ना हो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर थोड़े समय के लिए कोई समस्या होती है और अधिक समय के लिए समस्या दूर करने की दिशा में कोई कदम उठाया जाता तो उसका विफल। दो विधानसभाओं का रोड एक है, बीच में दो विधानसभाओं को एक रोड जोड़ता है, वो रोड अभी तक नहीं पड़ा है। जो भी होगा वैसे मैं पूरा डिटेल आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारे माननीय विधायकगण, हमारे माननीय सांसदगण जो प्रस्ताव देते हैं, जो यहाँ की समस्या है उसको बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर हम बनाने का। मंदिर पे ओवैसी जी अभी भी अपनी बात को कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि पर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को देश के हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी शीश झुका करके स्वीकार किया है, और मंदिर निर्माण कहाँ होगा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, और जो मस्जिद निर्माण के लिए कहाँ पर भूमि दी जाए 5 एकड़, उसके लिए भी सरकार चिन्हित करने का काम कर रही है। अब उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। जो लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है, और मैं समझता हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति देश की 130 करोड़ जनता ने सम्मान प्रकट कर दिया। बिजली विभाग का जो 26 अरब रुपए है, बिजली विभाग का जो कर्मचारियों का 26 अरब रुपए है, दिवालिया घोषित कर दिया गया। देखिए, उसमें दिवालिया घोषित हो जाने या ना होने के कारण से जो कर्मचारियों का पैसा है वो पैसे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने उसके जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी भी की है, उसकी और बारीकी से जांच हो रही है। कर्मचारियों के हितों की हर कीमत पर रक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी, उसको हम निभाएंगे। दे रहे हैं ये कब तक, मतलब पैसा वापस हो जाएगा? देखिए, उसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया को पूरा करने का काम तीव्र गति से चल रहा है, और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और किसी कर्मचारी का पैसा डूबेगा नहीं। आपने नोएडा के बाद लखनऊ में भी होमगार्ड घोटाला सामने आया है, जहां घोटाला किए होंगे घोटालेबाज जेल जाएंगे और घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अब घोटाले और भ्रष्टाचार का युग समाप्त हो गया। सर, आपके इरादे को, आपके विभाग के जो अधिकारी हैं, गड्ढा तो भर रहे हैं लेकिन उनमें घोटाला हो रहा है। सर, एक घोटाला होगा तो आप दीजिए शिकायत, जांच करके जो घोटाला करने वाले चाहे अधिकारी होंगे चाहे ठेकेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आप दे दो जरा इसको मेरे विधायक जी को या सांसद जी को दे देना लिख करके कहाँ का है, मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है, लेकिन कहीं कोई शिकायत होगी तो उसमें कार्रवाई होगी, जरूर होगी। धन्यवाद। आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने 2001 की जनगणना के हिसाब से और 2011 की जनगणना के हिसाब से 250 तक की आबादी के जो गांव थे, बसावटें, उन बसावटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया है, और जो एक्सप्रेस वे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या MDR ODR हो, उनसे 5 किलोमीटर अंदर तक जो 250 तक की आबादी वाले गांव हैं उनको कभी मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नहीं सोचा गया था। लेकिन जब मैं सरकार में आने के बाद इसको देखने का काम किया
तो मुझे लगा कि जो गांव के अंदर गरीब और किसान और मजदूर रहता है, हमारा नौजवान रहता है, अगर उसको मुख्य मार्ग में आना है, सर्विस रोड में आना है, तो उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया। इसके लिए हमने बजट की व्यवस्था की और 5 किलोमीटर अंदर तक के सभी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में हम 67 नए स्टेट हाईवे का निर्माण करने जा रहे हैं, उसकी घोषणा हो गई, उसका चिन्हीकरण हो गया है। जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में उसको प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य शुरू करने की तैयारी हो गई है। सेतुओं को लेकर के भी, चाहे दीर्घ सेतु हों, चाहे लघु सेतु हों, चाहे रेलवे ओवरब्रिज हों, फ्लाईओवर हों, उसको लेकर के भी हम तीव्र गति से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और बदायूं की जनता का भी इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं, पिछली बार तो हमें बदायूं जिला धर्मेंद्र जी के रूप में आमला से ही हमें सांसद के नाते मिले थे, लेकिन इस बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हमारे पास आज आंवला भी और बदायूं भी, दोनों लोकसभा सीटें भी हैं, और हम जनता बदायूं की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। एक बदायूं में बाईपास है, बाईपास समाजवादी गवर्नमेंट बना था, उसका ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ है, मतलब